पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर एक बार फिर सिरफटोवल शुरू हो गया है। प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने बागी तेवर दिखाते हुए अब आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू पंजाब में कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। अपनी पार्टी पर जमकर हमला करते हुए सिद्धू ने साफ कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। बताया जा रहा है कि सिद्धू अपनी पार्टी से बेहद नाराज हैं। वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया है। सिद्धू चाहते थे कि उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान बिना सीएम उम्मीदवार के इस बार मैदान में उतर रही हैं। लिहाजा सिद्धू पार्टी से नाराज हो गए हैं और इसी वजह से वो बार बार अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धू ने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस को चुनाव में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है। सिद्धू ने अपनी पार्टी के स्टैंड को दोहराते हुए संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि सिद्धू की धड़कने अब पंजाब के कांग्रेस विधायक ने चुनाव से पहले बढ़ा दी है। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस मुख्यमंत्री चन्नी को सीएम फीस बनाकर चुनाव लड़ रही है। वेरका ने कहा है कि सीएम चन्नी को कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में चेहरा बनाया है और उनको ही आगे कर पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस आलाकमान और अब सिद्धू कह रहे हैं कि पंजाब में कोई भी सीएम फीस नहीं है। लेकिन कांग्रेस विधायक का बयान साफ दर्शा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस विधायक का ये दावा सिद्धू के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि सिद्धू लगातार सीएम पर हमलावर रहे हैं। साथ ही सिद्धू अपने आप को सीएम के तौर पर भी पेश करते रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि सीएम फीस को लेकर कांग्रेस क्या फैसला लेती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेकिन सिद्धू के दबाव के बाद भी कांग्रेस पंजाब बिना सीएम उम्मीदवार के मैदान में उतर रही है। अब सिद्धू को इस बात का डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत गई तो एक बार फिर चन्नी को कांग्रेस आलाकमान सीएम बना सकती हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, इसलिए वो पार्टी पर अभी से ही दबाव बनाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।